अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ए टू जेड फूड व्लॉग। और आज मैं आप लोगों के लिए फ़गानी प्रेशर कुकर जब आप फर्स्ट टाइम लेकर आते हैं तो उसको इस्तेमाल करने के मुकम्मल तरीका यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर हम एक पहले भी लेकर आए थे, वो भी इस्तेमाल कर चुके। अब मेरा भाई नया लेकर आया था क्वेटा से, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसकी मुकम्मल तरीका बता देती हूँ कि ये कैसे इस्तेमाल होगा। तो जब हम फर्स्ट टाइम लेकर आते तो हमें नहीं पता होता कि किस तरह इस्तेमाल करना है या इसका मुकम्मल तरीका। इसका तरीका दूसरे प्रेशर की निस्बत इसकी बनावट और इसका तरीका इस्तेमाल करने का बिल्कुल मुख्तलिफ है। यकीन करें ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये फटने वाला बिल्कुल नहीं है। दूसरे प्रेशर का डर होता है कि वो फट जाता है, तो एक बात है ये फटेगा नहीं। और दूसरी बात, जहाँ दूसरे प्रेशर कुकर में खाना बनता है 15 मिनट में और इसमें बनता है 5 मिनट में। यकीन करें ये कोई किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए कि इसकी मैं तारीफ़ें करूँ, ये मेरा खुद का इस्तेमाल किया हुआ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरा चैनल खुद इतना नहीं है कि मैं किसी की तारीफ़ें करूँ या वो करूँ, तो ये मैं खुद का रिव्यू दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये हमने उतार देना है और दोनों साइड से ऊपर से खोलना है, तो ये दोनों साइड से अलग हो जाएगा। ये देखिए कितने टाइट तरीके से, ये देखें उन्होंने, ये देखें दो साइड पे उन्होंने भाप निकालने के लिए सीटियाँ दी। आम टीट में दूसरे जो हम घर में यूज़ करते हैं आम प्रेशर कुकर में एक सीटी होती है, तो इसमें दो हैं। ये देखें ताकि ढक्कन ऊपर से अच्छी तरह से बंद हो, उन्होंने हर चीज़ बहुत मजबूती से और बहुत अच्छा मटीरियल लगाया उसके अंदर। ये देखें जो असल होता है उसके ऊपर जलालाबाद लिखा होता है, और दूसरी बात है उसके ऊपर जिसने बनाया है उसका नाम भी लिखा होता है, वरना अगर कॉपी हो तो वो इस तरह से नहीं होता, वो 2-3 बार यूज़ करने से ख़राब हो जाता है, उसके अंदर मसाम जो होते हैं वो निकल आते हैं भाई। तो यहाँ पर आज ये देखें, ये आज मैं इसका यूज़ करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है दूसरे प्रेशर के नस्बत। तो यहाँ पर हमने इसको जब फर्स्ट टाइम यूज़ करना है तो तब हमने दूध लेना है, हमने यहाँ पर आधा किलो दूध लिया है और आधा किलो ही पानी लिया है, दोनों को हमने मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया है, यानी जितना दूध उतना पानी। तो जब हमने फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करना है तो ये तरीका लाजमी करना है, इससे पहले हमने प्रेशर को यूज़ नहीं करना। जब हम दूसरा लेकर आते हैं आम रूटीन में, हम ऐसे ही उसके थोड़ा सा धोते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना। इसके अंदर दूध को सबसे पहले बॉयल करना लाजमी है। तो यहाँ पर हमने दूध शामिल कर दिया है, ऊपर से कवर कर दिया है, और ये देखें सीटियों को हम अच्छी तरह से, ये देखें इतना हम टाइट कर लेंगे, ये देखें इस तरह से होनी चाहिए जी। तो अब हमने इन दोनों को आमने सामने कर लेना, ये देखें इस तरह से, और ये अंदर सुराख नहीं है, बस वैसे ही इन्होंने ये निशान बनाया ताकि इसकी फिटिंग हो जाए। तो ये देखें ये इस तरह से रखना है, इधर से उठा के इस तरह से और इधर से इस तरह से, और ऊपर से हमने इसे अच्छी तरह से टाइट कर देना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लाजवाब है। इसको हमने ये देखें अच्छी तरह से बंद कर दिया है, अच्छी तरह से बंद कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक दूध को बॉयल करेंगे, ताकि जो ये दूध डालने का एक फ़ायदा ये है कि जो इसके अंदर ज़र्रात होते हैं, केमिकल लगा होता है, इसको मटेरियल लगा होता है यूज़ करने में, वो सारा जो ज़र्रात धात वगैरह हैं वो सारे दूध के अंदर मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद जो दूध होगा वो हमने इस्तेमाल नहीं करना, या चाय वगैरह बनाने में, या बिल्कुल किसी तरह से भी इस्तेमाल नहीं करना, उसको हमने फेंक देना है, ठीक है। और यहाँ पर जब 2 मिनट हो जाएँ तो ये आप लोगों की सीटी के आवाज़, दूसरी सीटी आवाज़ देना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद टाइम लगता है। तो अगर ये ना दे तो आप लोगों ने इस तरह से छुरी या कांटे की मदद से इस तरह से थोड़ा सा उठाना है, ताकि ये सीटी को आप लोगों को पता चल जाए कि भाप निकलना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर उसके बाद आप लोगों ने टाइम लगाना है, अगर बीफ है तो 5 मिनट या 6 मिनट इसके अंदर लगाने हैं बस, और अगर चने हैं तो तकरीबन 7 मिनट, इससे ज़्यादा आप लोगों ने टाइम नहीं लगाना। ये बहुत जल्दी काम करता है, बहुत अगर ज़्यादा लगाएंगे तो बीफ होगा तो बहुत ज़्यादा ही वो गल जाएगा, और दालें वगैरह वो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। तो उसको जब हमने ये टाइम पूरा हो जाए, 2 मिनट हमने यहाँ पर दूध को लगाया तो अच्छी तरह से बॉयल हो गया है, तो उसके बाद हमने थोड़ी देर इसको हमने रख दिया था, फिर हमने खोलना स्टार्ट किया था। अगर आप लोगों ने फ़ौरन खोलना तो पहले अच्छी तरह से इसकी दोनों साइड से सीटियाँ उठा उठा के भाप निकालने के बाद इसको हमने खोलना है। अगर हम फ़ौरन उतारेंगे भाप निकलने के बाद, फिर हमने ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता खोलना स्टार्ट करना है। अगर हम जल्दी जल्दी खोलना स्टार्ट करेंगे तो वो साइडों से पानी वगैरह जो होगा वो अंदर भाप होती है उसके ज़रिए पानी बाहर निकल जाएगा, तो थोड़ा सब्र करके थोड़ी भापे निकाल के फिर हमने इसको खोलना है। तो यहाँ पर इसके फटने का बिल्कुल कोई डर नहीं, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो भी जाए तो ये नहीं फटेगा। तो यहाँ पर दूध को देखें, बिल्कुल ही कलर चेंज हो गया इसका, ये देखें जैसे चाय होती है, तो ये देखें बिल्कुल चेंज हो गया, सारा जो इसका धात था केमिकल लगे हुए थे वो सारे इसके अंदर मिक्स हो गए। अब हमने इस दूध को फेंक देना है, इस्तेमाल नहीं करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, फेसबुक पर फॉलो करें। बाय बाय।